बहावलपुर और मुल्तान की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, यूनिसेफ के तआवुन से अवामी बैतुल खला बनाने का फैसला। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब ने नवीद सुना दी। मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन के हर जिले में 3,000 बैतुल खला बनेंगे। वॉशरूम्स बनाने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर को टास्क सौंप दिया। बहावलपुर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया और ब्रीफिंग ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के शहर मियांवाली के लिए बजट से हटकर 3 अरब रुपए का इजाफी पैकेज तैयार। जिले में सड़कों की तामीर, अस्पताल, स्कूल और साफ पानी की फराहमी के मनसूबे मुकम्मल होंगे। ज़िलाई हुकूमत ने PND बोर्ड को इजाफी फंड की डिमांड इरसाल कर दी। ऐवान वज़ीर-ए-आला की मंजूरी के बाद मियांवाली के लिए 3 अरब रुपए का मजीद बजट जारी होगा। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का अपने घर का ख्वाब होगा पूरा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए जगह का तायुन कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने 400 किनाल इरासे की समरी मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी। डीजी खान बाईपास तुर्की अस्पताल रोड पर हाउसिंग स्कीम इरासे का तायुन किया गया है। इसी रोड पर इंडस्ट्रियल स्टेट का मनसूबा भी बनेगा। मेरी खान के पार्क्स को कौमी हीरोज के नाम से मंसूब करने का फैसला। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का छठा इजलास। चेयरमैन PHA मोहम्मद हनीफ मताफी ने सदारत की। DG PHA डॉक्टर आबिद महमूद ने एजेंडे पर बात की। 44 मिलियन का रिवाइज बजट और लोगो बना लिया गया। इरशाद लोही पार्क से मलिका सरकारी दखले पर फूड स्ट्रीट बने। रोही की काविशें रंग ले आई। डीजी खान के अवामी मसाइल पर वजीर आला पंजाब का नोटिस। सफाई, सिवरेज, वाटर सप्लाई और दीगर मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमिश्नर साजिद जफर डाल कमेटी के कन्वीनर मुकर्र। कमिश्नर की जेर सदारत वजीर आला की कमेटी का पहला इजलास। शहर में अवामी मसाइल के हल के लिए लाहे अमल मुरतब किया गया। फुल डॉट पर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बेहतर करने की हिदायत।